अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो जाहिर है कि ढिल्लो फैमिली का ढिल्लो मसालों से कोई लेना देना नहीं है, और सोचने की बात ये है कि क्या इस कंपनी के नए मालिक करण खुराना इस कंपनी का नाम बदल देंगे। देख लिया आप लोगों ने, जिस ढिल्लो परिवार के एक एक सदस्य को आपने भगवान का दर्जा दिया, आज इन लोगों की गलती की वजह से इस कंपनी का क्या हाल हो गया। मिस्टर यू यूरो जैसे बड़े बिजनेसमैन की बेइज्जती करने से पहले इस लड़की ने एक बार नहीं सोचा कि हमारी कंपनी में खून पसीना बहाने वाले इतनी मेहनत करने वाले लोगों की नौकरी का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इस अनपढ़ गवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं। निकालो यहाँ से, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ दालचीनी। सारे वर्कर्स की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त ये एग्रीमेंट कैंसिल करता हूँ। आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज से इस कंपनी का एक नया मालिक होगा और वो हूं मैं, करण खुराना। दालचीनी तुम और तुम्हारी फैमिली डिसाइड कर लो कि क्या करना है। वैसे एक सजेशन है मेरे पास, तुम लोगों को 5-6 कटोरे भिजवा देता हूं, वो क्या है कि कल को भीख मांगने के काम आएंगे। नो नो नो, दिस कांट बी हैपनिंग, ये नहीं हो सकता। कम ऑन दालचीनी, क्या किया तुमने ये? हर्ची, आप लोग बर्बाद हो गए। इस दालचीनी पर भरोसा करने की वजह से आज इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी पूरी तरह से बर्बाद कर दी इसने। पर जाई जी, इसका मतलब बच्चों को लेकर हमें फिर से उस बस्ती में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम भी क्या याद करोगे दालचीनी की, कितने बड़े दिल वाले इंसान से तुम्हारा पाला पड़ा, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तो खींच ली मैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं चाहिए, क्योंकि उस घर में वो लोग रहते हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है, इसलिए मुझे वो घर नहीं चाहिए। तो वो घर मैंने तुम लोगों को दान में दे दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा तमाशा रिपोर्टर्स के सामने क्यों हो रहा है दार्जी, एक मौका नहीं छोड़ता ये आदमी हमें जलील करने का। पर जाई जी, लेकिन अब भी हमारे पास सर पे छत तो है। खैरात में दिए हुए घर के लिए क्या करूं मैं, क्या करूं, जाकर उस आदमी को गले से लगा लूं? अरे जाने से पहले कंपनी के साथ फोटो खींच लो, वो क्या है कि बुरे वक्त में जब बैठ के देखोगे ना तो पुरानी यादें अच्छी लगती है ना। कम ऑन यार, फोटो खींचो। स्माइल। अरे दालचीनी, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, इस घर के साथ साथ में तुम्हें 3 अपने वफादार कुत्ते भी देके जा रहा हूं, यानी कि कला, दीपक और विम्मी आंटी, क्योंकि मुझे अब इन लोगों की जरूरत नहीं। सो टेक केयर ऑफ देम। इसका क्या मतलब हो गया अब इसे हमारी जरूरत नहीं है?
अरे उसके लिए इतने पापड़ बेले, इतना कुछ किया और वो यूं ही हमें रास्ते से नाथ मार के जा रहे हैं। बेड़ा गर्क हो इस करण का, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हाँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, फिर से उस राजरानी के तलवे तो नहीं चाटने पड़ते। आप इस अनपढ़ गवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं? हर के जे। आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीपक मेरे साथ ऐसे करेगा, मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चल लेगा। सब कुछ भूल गया मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसके लिए लड़ी थी। कला को चाहता था, इसलिए मैं कला को भी घर ले आई, जबकि कोई परिवार वाला नहीं चाहता था ये। और उसने मेरे साथ मेरा सब कुछ छीन लिया। कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? कैसे? एक मौका मिला था मुझे अपने परिवार के अच्छे दिन वापस लाने का, और मैंने सब बर्बाद कर दिया। गलती कर दी मैंने दीपक पर भरोसा कर। ऐसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती। उस स्टेज पर जाने से पहले अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछा दालचीनी? क्या सोचकर गई थी तुम उस कॉन्फ्रेंस में? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पूरे परिवार ने तुम पर इतना भरोसा किया, उसका ये बदला लिया तुमने हमसे? सोच कैसे लिया तुमने कि एक बार तुमसे गलती होने के बाद भी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को अकेले हैंडल कर सकती हो? जवाब दो मुझे दाजी। मैं इसीलिए वहां पहुंची थी क्योंकि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि वो बड़े साहब और नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आपकी जगह माइक पर मैं बोल पड़ी। मेरा इरादा सिर्फ आपकी मदद करना था। और मैंने मांगी तुमसे मदद? तुम वहां पर ये सोच कर गई कि हमारे क्लाइंट्स नाराज ना हो जाए, पर तुमने देखा तुम्हारी इस बेवकूफी का नतीजा क्या हुआ है? एक इतने बड़े इतने इज्जतदार आदमी की तुमने पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती कर दी, और उसका नतीजा ये है कि आज वो आदमी हमसे हमारा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ है। ये मदद की तुमने, पूरे परिवार को तुम सड़क पर ले आई हो दालचीनी। मैं आपकी जगह लेने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती, इसीलिए मैं दीपक के पास गई और उससे मैंने कहा कि मुझे कुछ शब्द लिख कर दे ताकि मैं वो उन लोगों के सामने बोल पाऊँ। और दीपक ने मुझे जैसे जैसे सिखाया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे कहा। आप ही सोचिए ना, जिस लड़की को अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलना नहीं आते वो अंग्रेजी में किसी का अपमान कैसे कर सकती है? मेरा इरादा सिर्फ ये था कि मैं करण से वो सारी चीजें हासिल कर लूं जो उसने हम सबसे छीना है। काश मेरा रब मेरी गवाही दे पाता तो वो आपको कहता कि मेरे लिए आपसे और अपने परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
हाँ माँ, व्हाट? क्या हुआ टीचर जी, क्या बोल रही है माँ? हाँ, क्या कहा माँ ने? बैंक वाले हमारे घर तक पहुंच गए हैं दालचीनी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।